हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G54 5G फ़ोन है, तो मोटो G54 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स को आप कैसे लगा सकते हैं और अलार्म्स को कैसे सेट कर सकते हैं मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि अलार्म्स वगैरह को आप कैसे लगा सकते हैं मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, अलार्म्स को सेट भी कैसे कर पाएंगे मोटो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि अलार्म्स को सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं मोटो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही सेटिंग्स पे जाकर आपको साउंड एंड वाइब्रेशंस पे चले जाना है, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन में अलार्म्स को सेट कर सकते हैं, फ़ोन में जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। देख सकते हैं कि आपको साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाना है, अलार्म रिंगटोन्स पे जाकर कोई भी अलार्म रिंगटोन सेट कर देनी है, अलार्म वॉल्यूम को भी इंक्रेज़ कर देना है, जिससे अलार्म साउंड वगैरह आपके फ़ोन पर लग जाएगा एंड सेट हो जाएगा, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ही बैक करते हुए आपको जाना है क्लॉक सेटिंग्स पे, यानी क्लॉक आइकन्स पे जाना है, जिसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में अलार्म्स को लगा सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं फ़ोन में। सिंपली इस तरीके से ऑन करके अलार्म्स अपने फ़ोन पे लगा पाएंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अलार्म्स भी लगा सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो टाइमिंग को यहाँ से कोई भी टाइमिंग सेलेक्ट करके ओके करते ही अलार्म्स आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा, टाइमिंग भी सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अलार्म्स को सेट कर सकते हैं अपने मोटो G54 5G फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।